नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आप देख रहे हैं दंगल, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। जम्मू में ड्रोन वाली साजिशों के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरे देश में चौकन्नी हो गई हैं। जम्मू के साथ साथ कश्मीर के अहम ठिकानों पर अलर्ट दिया गया है, तो वहीं पंजाब के डीजीपी ने भी ड्रोन के खतरों को लेकर हाई लेवल मीटिंग की है। ड्रोन वाली आतंकी चुनौती को लेकर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी ब्रीफिंग की गई है। आतंकी ड्रोन पर देश के लिए नई चुनौती बनकर आए हैं, तो इनसे निपटने के लिए क्या रणनीति होगी, दंगल में यही आज बहस का मुद्दा है। जम्मू में ड्रोन साजिश किसकी थी, इसका खुलासा तो अभी तक नहीं हुआ, लेकिन सुरक्षा एजेंसीज लश्कर का हाथ होने का इशारा कर रही हैं, और इसीलिए आज की दंगल की बहस में हमारा मुद्दा है, पाकिस्तान से अगर आतंकी ड्रोन का चैलेंज है तो कैसे उससे निपटा जाएगा। ड्रोन से हमला भले ही पहली बार हुआ हो, लेकिन पाकिस्तान से भारत में ड्रोन के जरिए हथियार के सप्लाई के मामले इससे पहले भी सामने आ चुके हैं। जम्मू कश्मीर में जब आतंकवाद ने नए रूप में हमला बोला, तब सुरक्षा एजेंसियों के सामने नई चुनौती आई। पहले जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमला, फिर जम्मू में कालूचक मिलिट्री बेस के पास संदिग्ध ड्रोन गतिविधि, और फिर बीती रात जम्मू में ही सेना के दो अलग अलग कैंप के पास तीन बार ड्रोन्स का दिखना। इस तरह लगातार तीन दिन में जम्मू में सुरक्षा प्रतिष्ठानों के खिलाफ ड्रोन वाली साजिश हुई, जिसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट। 15 कोर में जोशी 15 कोर कमांडर साहब ने मीटिंग लिया, मैंने अटेंड किया, फर्दर उसको सेंटेंस लोग कर रहे हैं। जितने वाइटल इंस्टेंशन है इसको भी प्लस एलसी पर भी, उसके अलावा आज देखे होंगे जैसा एक डल के एरिया में एक ड्रोन फ्लाई कर रहा था, उसको पुलिस ने जब्त कर लिया, एफआईआर लॉन्च किया, उसमें कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर दो ड्रोन्स के हमलों की जांच एनआईए को सौंपे जाने के बीच जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अफसर लश्कर का हाथ होने का अंदेशा जता रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि शायद लश्कर का जो है हाथ इस हमले के पीछे हो, लेकिन ये मामला काफी ज्यादा गंभीर है, इसीलिए केंद्र सरकार भी जो है इस पर बैठकें कर रही हैं, और गृह मंत्रालय ने अब एनआईए को कहा है कि वो जांच का जिम्मा जो है अपने हाथ में ले ले। जम्मू कश्मीर में ड्रोन से आतंक के इस माया जाल की जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दे दी गई, तो उधर ड्रोन के आतंकी इस्तेमाल के खतरे पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र तक चिंता जता दी। गृह मंत्रालय के विशेष सचिव VSK कौमुदी ने विश्व समुदाय को आगाह किया है कि आतंकी गतिविधियों के लिए हथियार बंद ड्रोन के इस्तेमाल पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। VSK कौमुदी ने कहा, कम लागत वाला विकल्प होने की वजह से आतंकी ड्रोन का इस्तेमाल तेजी से कर रहे हैं, यह आसानी से उपलब्ध है, और ड्रोन के जरिए आतंकी हथियार या विस्फोटक को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से भेज रहे हैं। ये दुनिया भर में सुरक्षा एजेंसियों के लिए खतरा और चुनौती बन गया है। जो ड्रोन्स के द्वारा पहले भी अलग अलग AK-47 आता था, ड्रग्स आता था, अलग अलग इन्फॉर्मेशन गलत इन्फॉर्मेशन करता था, आज थोड़ा ब्लास्ट करने के लिए भी प्रयास किया। मैं एक ही विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जो भी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड हो, जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस भी हो, जो भी वायलेंस है, इस वायलेंस करने के प्रयास करते हैं, हम पूरा सक्षम है अपने सिक्योरिटी फोर्सेस इसको रोकने के लिए, इसको मुकाबला करने के लिए। एक और जहां ड्रोन वाली चुनौती नई है, तो दूसरी ओर लगातार आतंकियों से सुरक्षा बल का सीधा मुकाबला हो रहा है। श्रीनगर के परिमपुरा में लश्कर आतंकी नदीम अबरार और उसका साथी ढेर कर दिया गया। कमलजीत संधू और अशरफ वाणी के साथ सुनील जी भट्ट, जम्मू आज तक। और इस वक्त दंगल में बहस में हमारे साथ जुड़ गए हैं खास मेहमान, बीजेपी से हमारे साथ डॉक्टर संबित पात्रा इस वक्त जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी से सलमान निजामी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर माजिद हैदरी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, और सामरिक मामलों के जानकार सुशांत सरीन जी भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दंगल में। सबसे पहले शुरुआत संबित पात्रा जी, मैं आपके साथ करना चाहूंगी। धारा 370 हटने के बाद जो 440 वोल्ट का झटका आतंकवादियों को लगा था वो खत्म हो गया है क्या? बीते 10 से 15 दिनों की स्थिति अगर देखी जाए जम्मू कश्मीर में, ये हालात किस तरफ इशारा करते हैं, ये किसका लैप्स है? देखिए मीनाक्षी जी, जहां तक आतंकवाद का सवाल है, ये ऑल और नन फिनोमेना नहीं है। मतलब आज आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई आरंभ हुई और परसों आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई आरंभ हुई थी वो खत्म हो गई और आतंकवाद समाप्त हो गया। ये लंबे समय तक चलता है
और इसमें हर प्रकार के मल्टी फैसेटेड वॉरिंग करना पड़ता है, अर्थात हर प्रकार के आयुधों के साथ लड़ना पड़ता है और हर आयाम में आतंकवाद के खिलाफ लड़ना पड़ता है। भले ही आर्टिकल 370 को हटाने का हो, भले ही सबके साथ सबका विश्वास के मंत्र के साथ जम्मू कश्मीर के नौजवानों को आगे लेने का विषय हो, भले ही कश्मीर को लेकर जिस प्रकार पाकिस्तान रणनीति बनाता है पाकिस्तान को घेरने का विषय हो, यूएन में सामरिक रूप से इन विषयों को उठाने का हो, हर फ्रंट पे इंडिया अपने आप को स्थापित कर रहा है, इंडिया आगे बढ़ रहा है। इसलिए लैप्सेस कहना उचित नहीं होगा। हाँ, हमें भविष्य में ड्रोन जो अटैक ड्रोन अटैक का मामला भारत में पहली बार आया है, लेकिन दुनिया में जनरल सुलेमान की किस तरह से हत्या की गई वो हमारे सामने उदाहरण है। यमन में हुती विद्रोही क्या करते हैं वो उदाहरण हमारे सामने है। हम उसके लिए तैयार क्यों नहीं थे, सवाल ये है। ड्रोन न सिर्फ हमारे एयरबेस के नजदीक आते हैं बल्कि वो यहां पर विस्फोटक गिराकर वापस चले भी जाते हैं और उसके बाद भी दो और घटनाएं सामने आ जाती हैं। यहां पर लैप्स का जिक्र हो रहा है। नहीं, हमारी आर्मी बिल्कुल तैयार है, हमारी आर्मी बिल्कुल तैयार है और तैयार थी। इसी कारण से कोई बहुत बड़ा कैजुअल्टी जो कि मनसा था, और इसमें आरडीएक्स का भी इस्तेमाल किया गया है, बहुत हाई इंटेंसिटी एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया गया है, उसके बावजूद जो हमारी आर्मी थी वो बिल्कुल तैनात थी। इस कारण से एक बहुत बड़े हादसे को अवर्ट किया। दूसरी बात, आपने अभी बताया आपने रिपोर्ट में कि दो और ड्रोन हमलों की आशंका थी, ड्रोन आ भी गए थे, उनको हिट आउट कर दिया गया और एक बड़े हमले को बचा दिया गया है। तो स्वाभाविक है हमारी आर्मी बिल्कुल तैयार है। और जैसे कि अभी किशन रेड्डी जी कहा, जो कि हमारे राज्य मंत्री हैं गृह के, कि हमारी आर्मी हमारा सिस्टम पूरी तरह से इस ड्रोन हमले के लिए, भविष्य में भी अगर इस पर कोई हमला होता है तो हम तैयार हैं। नहीं, लेकिन डॉक्टर संबित पात्रा, अभी तो हमें यही नहीं पता ये ड्रोन कहां से आए, ये कहां चले गए, इनका क्या मकसद था, क्या सिर्फ ये एक ट्रायल था, ट्रायल के बाद वो वापस लौट गए। हमारे पास इन सवालों के जवाब नहीं है, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि हम तैयार हैं? नहीं मीनाक्षी जी, आपको क्या लगता है, ये सारे अगर सवालों के जवाब भी हो तो वो आज तक पे आके यहाँ दंगल में सारे जवाब दिए जाएंगे क्या? नहीं, कहां से आए थे, लश्कर रिस्पांसिबल नहीं दिए जाएंगे, लेकिन डॉक्टर संबित पात्रा, पॉलिसी पॉइंट पर तो जवाब दिए जाएंगे ना। आई एम नॉट आस्किंग यू कि आर्मी क्या तैयारी करी है, मैंने आपसे रणनीति नहीं पूछ रही हूँ, लेकिन पॉलिसी पॉइंट पर तो सवाल उठेगा ना। नहीं, पॉलिसी पॉइंट पे बता रहा हूँ, पॉलिसी है कि उनके पास ड्रोन है तो हमारा ड्रोन भी तैयार है, हमारे पास अभेद्य लक्ष्य है, ऐसा लक्ष्य है जिसको हम भेदेंगे। वो क्या सोच रहे, क्या अभेद्य है? बिल्कुल नहीं है। तो क्या आप देखिए, जहां जहां भी भारत के ऊपर हमला कर चैनल पर ये कह रहे हैं कि हमारे पास ड्रोन का जो ये हमला हुआ है उससे निपटने के लिए एंटी ड्रोन टेक्निक या उससे निपटने के लिए जो एक काउंटर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, काउंटर प्लान होना चाहिए, वो है? आप आश्वस्त कर रहे हैं यहां पर इस वक्त? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। मीनाक्षी जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि इंडिया इतना कमजोर है कि उसके पास एक काउंटर स्ट्रेटजी ही नहीं होगा? बिल्कुल इंडिया के पास काउंटर स्ट्रेटजी है और उस स्ट्रेटजी पे काम भी आरंभ हो गया होगा। सब कुछ टीवी डिबेट्स में डिक्लेयर नहीं किया जाता है और न ही करना चाहिए कि भारत कल क्या करने वाला है। उठ रहे हैं संबित पात्रा जी, समझिए, सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि ये घटना सिर्फ जम्मू एयरबेस पर खत्म नहीं हो गई, उसके बाद लगातार बीते दो दिन में फिर से ड्रोन देखे गए हैं और हमें उसके बारे में कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। नहीं, ड्रोन्स देखे गए हैं तो ड्रोन्स को मार गिराया भी गया। मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के नजदीक इस तरह से आसमान में एक अनआइडेंटिफाइड ड्रोन उड़ता दिखाई दे रहा है जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्या ये खुशकिस्मती नहीं थी कि वो उन विस्फोटकों से हमें कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ? लेकिन अगर वो नुकसान हो जाता तो उसका वो किस स्तर का हो सकता था, क्या इस बात का अंदाजा है? मीनाक्षी जी, मुझे लगता है खुशकिस्मती कहना उचित नहीं होगा, प्रिपेयर्डनेस ऑफ आर्मी कहना उचित होगा। आज भी अगर कालू चौक के ऊपर ड्रोन देखा गया, उसको निरस्त किया गया, उसको मार गिराया गया, तो ये खुशकिस्मती नहीं है, ये प्रिपेयर्डनेस है। कहीं ना कहीं हमारी देश की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो प्रिपेयर्ड है और इन सारी चीज़ों के लिए उनके पास काउंटर स्ट्रेटजी भी है। इसलिए ये देश में हमारे जो इस प्रकार का कुछ लोग फैलाते हैं कि हमारे देश प्रिपेयर्ड नहीं है, अब हमारा देश क्या कर लेगा, ये उचित नहीं है। बिल्कुल आप विश्वास रखिए, सरकार की पॉलिसी पर भी विश्वास रखिए और इंडियन आर्मी के शौर्य के ऊपर भी विश्वास रखिए। ठीक है सलमान निजामी, जो तस्वीर अभी जम्मू और कश्मीर में दिखाई दी है इन रीसेंट इंसिडेंट्स पर, कौन आतंकवादियों को खाद और पानी दे रहा है? देखिए, मुझे लगता है जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को लव लेटर लिखते हैं उनके बर्थडे ग्रीटिंग्स पे, वही तो मुझे लगता है उनको हेल्प कर रहे होंगे। और जो बैक सीक्रेट टॉक्स कर रहे हैं उनके साथ, अभी आपको मैंने पहले भी कहा था, पिछले एक और डिबेट था मैंने कई बार कहा कि 370 आपने हटाया,
लेकिन आपने उसमें पूरे देश में ये पोर्ट्रेट किया कि 370 आत्मा आतंकवाद का खत्म होना हो। हम पहले से कहते थे कि आप ये मत समझिए कि 370 ही जो है आतंकवाद का एक होता, अब खत्म नहीं हो गया, लेकिन दो पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष को हेल्प किया अटैक करने के लिए। आपके बीच में नहीं बोला, ना 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 आप ना कंप्लीट करना ही नहीं देना है ना ऐसी बातों को। इन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हेल्प किया ये अटैक के लिए, और हम इसे सुन रहे हैं चैनल पे क्यों? एक सेकंड, सलमान निजामी क्यों सुन रहे हैं? सलमान निजामी मुझे ये बताइए आप, सलमान निजामी के अभी शब्द क्या थे जब आपने पूछा? सलमान निजामी मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, आपने कहा कि नहीं, मैं बताता हूँ आपने क्या कहा, आप सुनिए आपने क्या। सलमान निजामी आपसे क्लियर सवाल ये है, सलमान निजामी आपसे क्लियर सवाल ये है 370 को लेकर आपने कहा कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल है, क्यों आपकी पार्टी लगातार कंफ्यूजन फैला रही है, क्यों आपकी पार्टी लगातार कंफ्यूजन फैला रही है? दिग्विजय सिंह का बयान सबने सुना, वो कहते हैं कि वापस बहाल करेंगे 370, क्या मतलब है स्टेटमेंट का बताइए आप? क्या इस तरह के बयान, क्या इस तरह के बयान, क्या इस तरह के बयान घाटी में व्यवस्था को खराब नहीं करते हैं? क्या इस तरह के बयान, क्या इस तरह के बयान कानून व्यवस्था को नहीं बिगाड़ते हैं? बताइए आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है, इस पर क्लैरिटी दीजिए। वो हर रोज कोई ना कोई हमला कर रहे हैं कश्मीर में, आज ड्रोन का हमला हुआ, लेकिन ये लव लेटर लिखते पाकिस्तान को, ये उनके साथ बैक सीक्रेट टॉक करते हमने पहले भी कहा। किस लव लेटर का जिक्र कर रहे हैं? एक सेकंड, किस लव लेटर का जिक्र कर रहे हैं? मत करिए, 370 आपने हटा दिया। सलमान निजामी जी मैंने आपसे ये सवाल पूछा, आप 370 को लेकर अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर करिए, आप कहाँ खड़े हैं बताइए? कोर्ट में है ना, 370 कोर्ट में है, वो सब जुडिस है, मैं उसमें कमेंट नहीं करना चाहता। मेरा नहीं, ये कश्मीर आगे बढ़ गया, लेकिन आप वही अटके हुए अभी भी। आपने क्लेम किया था, आपने क्लेम किया था, सुनिए मेरी बात, आपने क्लेम किया था 370 हटेगा, आतंकवाद जम्मू कश्मीर से खत्म होगा। दो साल में आपने देखा कितने हमारे सैनिक शहीद हुए, आज भी हमले हो रहे हैं, और एक तरफ से पाकिस्तान हमले कर रहा है, दूसरी तरफ से हमारे देश के प्रधानमंत्री उनको लव लेटर लिख रहे हैं, ये तो शर्म है। ये सभी पत्रकार के रिस्पॉन्ड करिए, फिर मैं सुशांत सरीन जी के पास जाऊंगी। ठीक है, अब मैंने इनको बड़े, मैंने बहुत तसल्ली से सुना, आप सुन लीजिए। देखिए मीनाक्षी जी, आपने पहला प्रश्न जो कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछा ये था कि इस ड्रोन अटैक के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, उनका उत्तर था कि वही रेस्पॉन्सिबल है जिन्होंने पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष को लव लेटर लिखा, अभी एक प्रधानमंत्री कह रहे थे, प्रधानमंत्री ने लव लेटर, मतलब हिंदुस्तान में ड्रोन अटैक हुआ उसके लिए जिम्मेदार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री। मीनाक्षी जी आप रिवाइंड करके देख लीजिए, आप रिवाइंड करके देख सकती हैं, और मैं जरा कंप्लीट कर लूं, उसके बाद सलमान जी बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, मैं इंतजार कर लेता हूं, पहले ये पूरा बोल ले फिर मैं बोलूंगा। मैं तू तू मैं नहीं करना चाहता, मैं भी आपको नहीं बोलने दूंगा। चलिए आप और बोल लीजिए, आप और बोल लीजिए। सलमान निजामी मेरे को, मीनाक्षी जी मैं इंतजार करता हूँ। ठीक है सलमान निजामी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ। सलमान निजामी देखिए, मैंने आपसे 370 मीनाक्षी जी मैं बात कर लूँ जरा, आप उस पर क्लियर जवाब नहीं दे पा रहे, आपकी पार्टी के बड़े नेता दिग्विजय सिंह का बयान पूरे देश के सामने है। ठीक है, मैं दिग्विजय सिंह से आगे बढ़कर आपसे ये सवाल चाहती हूँ, एक सेकंड सलमान निजामी, आप कश्मीर से आते हैं, संबित पात्रा जी एक सेकंड, सलमान निजामी आप कश्मीर से आते हैं, जो हो रहा है कश्मीर में, जिस तरह से एसपीओ पर हमला हुआ, जिस तरह से दूसरे ऑफिसर को मारा गया, एसपीओ की फैमिली को जिस तरह से टारगेट किया गया, आपको क्या तकलीफ नहीं होती है? एक सेकंड सलमान निजामी, आप कश्मीर से आते हैं, मुझे पता है किसी भी नेता से पहले आप एक आम कश्मीरी भी हैं। ठीक है सलमान निजामी आप एक पार्टी से होने के साथ साथ एक कश्मीर, एक आम कश्मीरी का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, मुझे ये बताइए आपको तकलीफ नहीं होती है? एक बच्ची को पटक कर मार दिया गया, उस पुलिस ऑफिसर की, उसकी फैमिली की क्या गलती थी? मुझे तकलीफ होती है जब मेरे देश का सैनिक शहीद होता है और हमारे प्रधानमंत्री पाकिस्तान को चिट्ठी लिखते हैं, मुझे तकलीफ होती है कि चाइना हम पे हमला करते हैं और हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है चुप्पी साधे हुए अभी तक, उनसे आज एक मेरा चाइना से, मुझे तकलीफ होती है जब मेरा देश का सैनिक शहीद होता है। और मीनाक्षी जी मैं बात कर लूं प्लीज, सभी पात्रा जी रिस्पॉन्ड करिए, फिर मैं उसके बाद माजिद हैदरी के पास जाऊंगी, बोलिए। देखिए मीनाक्षी जी गलती क्या है मैं बताता हूँ, आज सुशांत सरीन जी इस पूरे विषय के सबसे अधिक जानकार हैं, बाकी दो और प्रवक्ता आपने ऐसे बैठाए रखे हैं, एक को विशेषज्ञ बनाकर और दूसरे को कांग्रेस के नेता के रूप में, जिन लोगों ने अपने ट्विटर हैंडल में कहा कि हमें आज़ादी चाहिए, कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, ये सलमान निजामी साहब ने 10 ट्वीट किए हुए हैं,
कि हिस्सा ही नहीं है, जम्मू कश्मीर तो भारत का हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान जिंदाबाद, हम तो झूठ नहीं है। ये सारी चीजें आपके ट्विटर हैंडल में मौजूद है और मुझे दुख है मीनाक्षी जी, मुझे दुख है कि मुझे वैसे लोगों के साथ डिबेट करने बुलाया गया है और मुझे वैसे लोगों के साथ डिबेट करना पड़ रहा है और वो भी हैकिंग हो रही है, बोलने तक दिया नहीं जा रहा है। क्या मतलब है फिर तो महबूबा मुफ्ती कहते हैं कि वो तिरंगा नहीं उठाएंगे, लेकिन आप उनको दिल्ली में बुलाते हैं ना, खुद प्रधानमंत्री और गृहमंत्री उनके साथ बैठक करते हैं ना, तो मैं बात कैसे करूं अगर नॉनस्टॉप आप चाहती हैं कि मैं चिल्ला के बैठक में बात करने से बात करूं। आप भी तो उनकी आवाज को सुनना चाहते हैं ना, डिसाइड कर लीजिए। मीनाक्षी जी, मैं ये तूतू मैमे के डिबेट नहीं कर सकता, आपको मन है तो मैं बिल्कुल इस डिबेट से नहीं, संबित जी जब आप ये बात बोल रहे हैं, नहीं आप एक सेकंड संबित जी, लेट मी क्लियर दिस पॉइंट, बात नहीं आप लोग आप जब दिल्ली में कैसे जवाब दूंगा, मैनेज तो करिए डिबेट को पहले, चिल्ला रहे हैं मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। आप कंप्लीट करिए संबित पात्रा जी, मैंने आपको दो बार समय दिया है बोलने के लिए, कंप्लीट करिए फिर मैं बाकी मेहमानों के पास भी जाऊंगा उसके पास बोलने के लिए। आप समय देते हैं और आपके वो जो साथी कश्मीर के आए हुए वो चिल्लाते रहते हैं, वो नहीं बोल रहे इस प्रकार से डिबेट थोड़ी होता है मीनाक्षी जी। एनसीओ पीडीपी बोलिए संबित पात्रा जी, आज उनके साथ बैठे हैं। एक सेकंड सलमान निजामी प्लीज सुन लीजिए, प्लीज सलमान निजामी थोड़ा सा सुनिए प्लीज, आप आवाज आप कितना आपको गिड़गिड़ाना पड़ता है, मुझे तो दुख इस बात का होता है कि कितना गिड़गिड़ाना पड़ता है हम अपने विषय को रखने के लिए। मैं 10 सेकंड बोल लूं उसके बाद ये बोल लेंगे, क्या उसमें मुश्किल है? पहली बात तो है दुख इस विषय का है, उन लोगों के साथ बैठ के डिबेट करना। देखिए मैं बिल्कुल चिल्लाना नहीं चाहता हूँ, मुझे आपकी आवाज पे देखिए डिबेट करना, मुझे टेक्निकली आपकी आवाज पे धीमी करनी पड़ेगी, प्लीज अब सुन लीजिए, आपको मैंने बोलने का पूरा समय दिया है, ठीक है डॉक्टर पात्रा कंप्लीट करिए। मुझे उन लोगों के साथ डिबेट करना पड़ रहा है और अपने देश के प्रधानमंत्री, अपने देश के आर्मी की क्रेडिबिलिटी को प्रूव करना पड़ रहा है, जो लोग हिंदुस्तान में कश्मीर के वजूद को नहीं मानते, जिन लोगों ने ऑफिशियल रूप से लिखा हुआ है कि वी डोंट वांट टू बी पार्टी टू इंडिया, वी डू नॉट बिलोंग टू इंडिया, जो पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं कह सकते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं कह सकते हैं, और जो लोग जब एयर स्ट्राइक हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, जिन लोगों ने हिंदुस्तान को क्वेश्चन किया था, प्रूफ मांगा था, जिन लोगों ने पुलवामा के हमले के बाद कहा था ये तो इंडिया और पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों के बीच में जानबूझकर ये कराया गया था कि हम इसमें वोट में जीत सके, उन लोगों के साथ हम डिबेट कर रहे हैं, एक विशेषज्ञ बन के बैठा हुआ है, आप इनको सुनिएगा। और जहां तक आपने कहा जम्मू कश्मीर के उन नेताओं को बुलाकर हमने क्यों उनके साथ बातचीत की, जो लोग कहते हैं कि हम हिंदुस्तान की झंडे को नहीं उठाएंगे, वो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी हैं और हाँ उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है, उन्होंने कहा था मोदी जी 1000 बार भी जन्म ले लेंगे तो भी आर्टिकल 370 को हाथ लगाकर तो दिखाए, ठीक है उनको हम रेस्पेक्ट करते हैं पॉलिटिकल पार्टी के नाते, वो इलेक्शन लड़ते हैं, मगर हमने वही किया जो हमारा एजेंडा है, जो हिंदुस्तान का एजेंडा है, हमने आर्टिकल 370 को निरस्त किया, उसको एब्रोगेट किया, वही लोग जो दांत चढ़ा रहे थे, जीभ चढ़ा रहे थे हमें क्या कर लोगे, पुलवामा तो हो गया, हमने किया सर्जिकल स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया, ड्रोन स्ट्राइक हुआ है, एक नया मेथड है, इतना तो विश्वास कल हुआ है, इतना तो हिंदुस्तान के ऊपर भरोसा रखिए, यहां पर आके वो लोग हमें चिल्ला रहे हैं, बताइए सलमान निजामी हमें चिल्लाएंगे, मैं जनता से कहूंगा ट्वीट करके इनके पुराने ट्वीट्स निकालिए जिसमें इन्होंने हिंदुस्तान को गाली दी थी, प्लीज आज पूरे ट्विटर को और पूरे आपने कंप्लीट किया डॉक्टर पात्रा। मैं अब अगले गेस्ट के पास जाना चाहूंगी, सुशांत सिंह जी, थैंक यू। जो परिस्थितियां जम्मू कश्मीर में दिखाई दे रही हैं, खासतौर पर प्रधानमंत्री ने जो बैठक बुलाई और एक पॉलिटिकल प्रोसेस, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस कश्मीर में शुरू हो उसके लिए जो प्रयास किए जा रहे थे, और उससे जोड़कर अगर इन घटनाओं को हम देखें तो आप कहां पर चूक देख रहे हैं, और ड्रोन अटैक जिस तरह का एक विकल्प अब आतंकवादियों के हाथ लगा है, ये भविष्य में किस तरह के खतरे हमारे लिए लेकर आ रहा है? देखिए इसके खतरे तो बहुत हैं हमारे ऊपर, और ये खतरे कोई नई नहीं है, खैर हम लोग तुलना कर रहे हैं जो ईरानियन जनरल को मारा गया, या जो सऊदी अरेबिया के ऊपर हमले हुए, या जो अमरीका बहादुर कर रहा है, ये शायद उस लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन के ड्रोन्स नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद वो जो एक टेक्नोलॉजी, लो लेवल की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अक्सर हुआ है, आतंकी गुटों ने किया है, वो उन्होंने यहाँ पर भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, और ये एक बिल्कुल एक नई सिचुएशन पैदा कर देता है, क्योंकि अभी तक हमने जितनी हमारी प्रिपेयर्डनेस थी, चाहे वो कैंप्स की हो या बॉर्डर पे हो, वो एक किस्म की थी जिसमें ये वाला जो पहलू था उसको उतना एक लिहाज से हमने अपनी जो सिक्योरिटी कैलकुलेशन थी उसमें नहीं लिया था। जहां पर मैं संबित से डिसएग्री करता हूं जब वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं हम बिल्कुल प्रिपेयर्ड थे, देखिए अगर हम बिल्कुल प्रिपेयर्ड होते तो ये पॉसिबिलिटी नहीं थी कि एक ड्रोन, और अभी तक तो हमको ये भी नहीं पता
कि वे ड्रोन हमारी सरहद के अंदर से उड़ा है या सरहद के बाहर से आया था। अभी तक हमको ये भी नहीं पता कि उस ड्रोन वो किस लेवल का ड्रोन था, क्या वो थोड़ा सा ज्यादा सोफिस्टिकेटेड था या वो एक बड़ा क्रूड लेवल का था। हमको बहुत चीजें उस ड्रोन के बारे में नहीं पता, लेकिन उसके बावजूद अगर वो ड्रोन आकर एक्सप्लोजिव्स गिरा सकता है हमारे हैंगर्स के ऊपर, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है उसके नजदीक, तो ये हमारे लिए एक बड़ी चिंता की बात है और इस पर हमारे को अपनी जो सुरक्षा की विफलता है उसको पहचानना चाहिए। अगर हम उसको डिनायल में रहे और अपना सीना ठोकते रहे कि नहीं हम सब कुछ जानते हैं, हम सब कुछ प्रिपेयर्ड थे, तो मेरे ख्याल वो हमारी खामख्याली होगी। तो मेरे ख्याल वो एक जो गैप था जिसके बारे में सुरक्षा विशेषज्ञ काफी अरसे से सरकार को अवगत करवाते जा रहे हैं और सुरक्षा एजेंसियां भी जो हैं इस खतरे को सरकार के सामने लेकर आती रही है और इस पर सरकार भी मानती थी कि ये खतरा है, लेकिन हमने जो डिसीशंस लेने हैं उससे अपने आप को बचाने के लिए या जो भी आलात लगाने हैं उसमें हमारी एक एक देरी रही है और अभी भी है, उसको जितनी जल्दी पूरा करें उतना अच्छा है। दूसरी चीज, पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप हर कोने कोने को ड्रोन से सुरक्षित कर पाए। जिस तरीके का एयर डिफेंस सिस्टम आप नॉर्मल केसेस में लेते हैं वो ड्रोन्स के खिलाफ आप उस तरीके का थिएटर डिफेंस नहीं कर सकते, तो फिर इसलिए लाजमी हो जाता है कि आप कुछ एरियाज को तो जो बड़े सेंसिटिव हैं वो उनमें आप वो सब कुछ लगाएंगे जो इक्विपमेंट्स हैं, लेकिन फिर आपको एक ऑफेंसिव कैपेबिलिटी भी पैदा करनी पड़ेगी ताकि जैसे को तैसी वाला जो हिसाब हो वो भी आप कर सकें। और वो शायद हमारे को पहले कर लेनी चाहिए थी जब सबसे पहले पंजाब की सरहद से हथियार और नशीले पदार्थों की तस्करी हो रही थी। हमको उस समय एक रिएक्शन दिखाना चाहिए था, उस समय हमने नहीं किया, लेकिन अब हमारे को शायद ये करना पड़ेगा। बेशक हम एक तरीके से ओपनली करें या कोवर्टली करें वो सरकार डिसाइड करेगी, लेकिन इसका जवाब तो जाना पड़ेगा। और महज इसलिए कि हम अभी तक ये नहीं बोल पाए कि वो आतंकी गुट जो पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने भारत के अंदर से किया है या आतंकियों ने अपने सरगनाओं के साथ पाकिस्तान की फौज के साथ मिलकर सरहद के उस पार से किया है, उससे हमारा कोई औचित्य नहीं है। और एक शब्द आखिर में बोलूंगा, डॉक्टर पात्रा, आप जो हम लोग आपस में डिबेट करते हैं, एक जो हम आपस में जो डिबेट करते हैं उसमें हमारे को एक चीज का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे ऊपर जो हमला हुआ वो हमारे दुश्मनों ने किया। Absolutely. और हम स्टूडियोज में बैठ के लड़ाई आपस में कर रहे हैं। बिल्कुल. इससे ज्यादा मेरे को इससे ज्यादा तो मैं क्या बताऊं, मेरे को जितना दुख होता है इस तरीके की लड़ाई देख करके, मेरे ख्याल हम सब लोग का मुंह खट्टा हो जाता है हम जब नेताओं को आपस में लड़ते हुए देखते हैं, क्योंकि हमारा फोकस होना चाहिए सरहद के उस पार। बिल्कुल, और देश जिस खतरे से जूझ रहा है, देश की सीमाएं जिस खतरे से जूझ रही हैं, जिस तरह से मिलिट्री इंस्टॉलेशन को अटैक किया जा रहा है, अगर उस पर हम अब भी नहीं जागे तो कब जागेंगे, सवाल यहां पर ये बड़ा उठता है। माजिद हैदरी साहब, जो सवाल मैंने सलमान निजामी से पूछा था, मैं वही सवाल लेकर आपके पास आ रही हूं। ये लड़ाई देश के खिलाफ है, क्या हम इस बात को समझते हैं? एसपीओ के परिवार पर जिस तरह से अटैक हुआ है उस बात का जिक्र आज आईजी कश्मीर ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, जिस बेरहमी से परिवार को कत्ल कर दिया गया, क्या इस बात से आप लोगों को तकलीफ होती है या नहीं होती है? मीनाक्षी साहब, आपको पता है आज एक सच्चा भारतीय होने के नाते मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही है, क्योंकि मेरा देश आज 70 वर्षों में पहली दफा इतना असुरक्षित है कि जम्मू में 40 किलोमीटर सरहद से अंदर एक ड्रोन आता है हमारे हवाई अड्डे पर, तकनीकी हवाई अड्डे पर हमला करके चला जाता है। हमें अभी तक ये भी नहीं पता उसका पायलट कौन है, जैसा कि सुशांत जी ने भी कहा, क्या वो बाहर से आया है, देश के अंदर से आया, उसका पायलट कौन है, हमें कुछ नहीं पता। पिछले साल हमने देखा गलवान में हमारी धरती पर चाइना ने कब्जा कर लिया, इस दफा हमने देखा हमारी हवाई सुरक्षा भी सुरक्षित नहीं है, हमने कोरोना भी देखा कि लोगों का सांस लेना भी सुरक्षित नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ इस देश रहा क्या है। आज रोने का वक्त है मीनाक्षी साहब, आज हमें लड़ना नहीं चाहिए आपस में। कोई मैं संबित पात्रा मेरे भाई हैं, मानिए भाई हैं, मैं इनसे लड़ना नहीं चाहता, मैं कहना चाहता हूँ आज हम रोए कि हमारा देश 70 वर्षों बाद ऐसा असुरक्षित क्यों है। क्या यूपी के चुनाव के लिए असुरक्षित बनाया जा रहा है देश? एक मामला खड़ा किया जाए, 300 ड्रोन आए हैं जब से आर्टिकल 370 हटा। मेरी सरकार क्या कर रही है? मैं पूछना चाहता हूँ अपनी सरकार से कि मैं तो पाकिस्तान से बाद में सवाल करूंगा, इसका पायलट करता हूँ बात करूंगा, लेकिन मैं सरकार से पूछूंगा मेरा देश इतना असुरक्षित क्यों? मेरी धरती भी जा रही है, मेरी हवा भी जा रही है, और हम लोग यहाँ पर बैठ के लड़ रहे।
हमें सबको रोना चाहिए, दो मिनट की साइलेंस रखनी चाहिए कि हमारे देश क्या हाल किया है। सांस लेने को ऑप्शन नहीं है लेकिन हवा में पाकिस्तानी ड्रोन आते हैं, एक दफा नहीं आते बार बार आते और उन्हें आने दिया जाता। तो इस सरकार पे सवाल यह निशान है, संबित पात्रा जी आज मेरे साथ दो मिनट शांति रखे इस डिबेट में, बस मैं यही चाहता हूँ। हम कोई लड़ाया आज मातम का वक्त है मैडम, मैं रोना चाहता हूँ डिबेट में। मातम का वक्त उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपनों को खोया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह की परिस्थितियां जमीन पर बिगड़ रही हैं, उसमें वो बयान, वो बर्ताव और वो पॉलिटिक्स जो उसमें घुसी हुई है, उसका कितना असर है, इस पर भी मैं आपसे जवाब लूंगी। एक ब्रेक के बाद फॉरन लौट रही हूं, देखते रहिए दंगल। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और दंगल में आज चर्चा इसी विषय पर हो रही है कि जम्मू कश्मीर की सुरक्षा जिस तरह से लगातार कॉम्प्रोमाइज हुई है बीती कुछ घटनाओं के बाद, अब यहां से आगे की राह क्या हो, इस पर रणनीति क्या हो, इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं। आपसे मैं यहां पर शुरुआत करूंगी माजिद हैदरी साहब, क्योंकि आप ब्रेक से पहले इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आपको बड़ी तकलीफ हो रही है जो कुछ जम्मू कश्मीर में हो रहा है, या हम इतना असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सवाल यह उठता है, असुरक्षित क्या तब महसूस नहीं हुआ जब यहां पर पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी, जब रुबेल सईद का अपहरण हो गया था उस दौरान क्या आपको ये असुरक्षा महसूस नहीं हुई? कश्मीरी पंडितों को जब घाटी से भगा दिया गया तब ये असुरक्षा महसूस नहीं हुई? मैडम एक आशा की किरण सबसे पहले 2017 में आई थी जब माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि डीमोनेटाइजेशन के बाद आतंकवाद खत्म। उसके बाद आशा की एक नई किरण 5 अगस्त 2019 को आई थी जब माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि धारा 370 हटने के बाद पूरे देश भर में आतंक नहीं होगा, खुशहाली होगी, अमन होगा, शांति होगी। तुलनात्मक रूप से अगर आप आंकड़ों पर नजर डालें 2019, 2020 और 2021 में आतंकी घटनाएं, पत्थरबाजी की घटनाएं कम हुई हैं। आई एम श्योर कि आपने ये आंकड़े देखे होंगे। मैडम अगर आप ड्रोन अटैक जो मेरे एयरपोर्ट पर होता है, मेरी धरती पर होता है, अगर आप उसे कहते हैं कि आतंकी घटनाएं कम हुई हैं, तो मैं शर्म से अपने आप को चुल्लू भर पानी में डूब मरने लायक समझता हूँ। जब आप कहती हैं कि यहाँ पे मेरा राकेश पंडित भाई मरता है और आप कहती हैं यहाँ पे आतंकवाद की घटनाएं कम हुई है, पिछले 4 दिनों से हर रोज एक दिन पुलिस वाला मारा जाता है हमारा भाई, एक दिन दुकानदार मारा जाता है, किस दिन कोई मारा जाता है, मौत का नंगा ना जम्मू कश्मीर में बंद नहीं हो रहा। तरक्की अगर है, विकास अगर है, तो सिर्फ शमशान घाटों का कोरोना में हुआ है। यहाँ विकास है कहाँ देश में, सुरक्षा है कहाँ देश में, यहाँ पहले थी अस्पतालों में मरीज सुरक्षित नहीं थे इस सरकार में। आप मेरा मुंह मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ, कश्मीर में जन्नत जैसे हालात कब थे मुझे बताइए, मुझे बताइए पिछली पूर्ववर्ती सरकारों में जन्नत जैसे हालात कब थे, किस वक्त को आप आइडियल बता रहे हैं, आप बताइए ना किस वक्त को आप आइडियल बता रहे हैं, किस वक्त को आप आदर्श बता रहे हैं, ताकि उसके आधार पे आज की तुलना हम कर रहे हैं। कौन सा वक्त आदर्श था, उदाहरण दीजिए। सरकार थी ना मैडम, जब कम से कम जब मनमोहन जी की सरकार थी तब विकास भी था, खुशी भी थी, अमन भी था, और थोड़ा बहुत भेंट वार्ता भी हो रही थी, LOC का रास्ता भी खुल रहा था, बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे थे। लेकिन जब से सरकार है विकास हो रहा है शमशान घाटों का, समित पात्रा जी तो फेल बता रहे हैं आपको, मुझे नहीं पता हिंदू भाई कितने मेरे मरे। डॉक्टर पात्रा देखिए मीनाक्षी जी, स्वाभाविक है, स्वाभाविक ही मीनाक्षी जी, ये हमें अच्छा तो बताएंगे नहीं, हमने आर्टिकल 370 को निरस्त कर दिया, ये हमें अच्छा तो बताएंगे नहीं, पाकिस्तान के साथ बातचीत बंद कर दी, ये हमें अच्छा तो बताएंगे नहीं। आप याद करिए मनमोहन सिंह जी किस प्रकार से अलगाववादियों के साथ, किस प्रकार से सेपरेटिस्ट के साथ गलबहियाँ करके फोटो खींचते थे, आपको यासिर मलिक तो याद होगा, घर में बुला बुला कर लड्डू पेड़े भी खिलाते थे और फोटो भी खिंचवाते थे, उसमें VIP थे। फिर ये बीच में शुरू हो गए। मीनाक्षी जी आप मुझे अगर इंडिविजुअल फ्रेम में ले सकती हैं तो अच्छी बात है, मैं वरना मैं नहीं सुन लीजिए, ठीक है, मैंने आपको पूरा समय दिया है बोलने का, मैं अनटचेबल हूं इस देश में, मैं इनके साथ डिबेट नहीं कर सकता हूं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं सड़क पे लड़ाई करने अनटचेबल कोई नहीं है, लड़ाई और अनटचेबल का फर्क है। मीनाक्षी जी आप इनकी आवाज कम करेंगी, मैं आपको बोलने का समय दूंगी, कम करेंगी मीनाक्षी जी, जो सवाल आपसे पूछूंगी ना माजिद हैदरी, आप उसका जवाब दीजिएगा, उसका जवाब दीजिएगा जो आपसे सवाल पूछा जाएगा, ठीक है, उस सवाल का जवाब दीजिएगा। मीनाक्षी जी हम बीच में नहीं बोलते हैं, मैं लड़ता नहीं हूँ, ये बीच में बोलते हैं, यस ठीक है। मीनाक्षी जी मुझे आश्चर्य होता है, ये कुछ कुछ विषय ना लोगों से पूछने की आवश्यकता नहीं होती है, ये जनता जनार्दन है, सब देखती है, जिन लोगों से हम अभी बात कर रहे हैं क्या माजिद हैदरी को लोग जानते नहीं है, या सलमान निजामी को लोग नहीं जानते? मैं एक ट्वीट पढ़ रहा हूँ सलमान निजामी का, ए हिंदुस्तान तुम्हारा एक भगत सिंह होगा जिसने देश की आज़ादी के लिए कुर्बान हुआ, हमारे 150,000 लोग कश्मीर की आजादी पे उन्होंने अपने को कुर्बान कर दिया है, आई हेट इंडिया, कोई फर्जी ट्वीट नहीं है, आप बिल्कुल मुकदमा करिए अभी जाके, हेट इंडिया कैंपेन आपने चलाया, फिर ये सब लोग बीच में बोलते हैं, मीनाक्षी जी कैसे होगा डिबेट, कैसे कैसे डिबेट होगा मीनाक्षी जी, अगर हर कोई बीच में बोलेगा तो अगर हम पुराने ट्वीट पर जाएंगे तो फिर आज की चर्चा और आज का मुद्दा कहीं पीछे छूट जाएगा। एक सेकंड सलमान निजामी प्लीज रुकिए, मैं जब आपको बोलने का मौका दूंगी आप उस समय बोलिए।
करेगा। अरे गद्दारों से मैं डिबेट नहीं करता मीनाक्षी जी, और मीनाक्षी जी ठीक है, मीनाक्षी जी जस्ट सेकंड गद्दारों से बात नहीं करता। आप सुनिए मीनाक्षी जी, एक सेकंड मीनाक्षी जी आप सुनिए पहले मेरी बात सुन लीजिए, एक सेकंड आप मीनाक्षी जी, आप तो इन लोगों को नॉनस्टॉप बोलने देते हैं, आज तक कभी कमाल का हिसाब किताब है? आतंकवादियों को बुलाओ और उनसे बुलवा लो, और बीजेपी के प्रवक्ता को बोलने ना दो, ये तो आज तक का बड़ा अच्छा पॉलिसी है, आरोप प्रत्यारोप बड़ा अच्छा पॉलिसी आज तक का। एक सेकंड सलमान निजामी प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज चुप होइए, एक सेकंड रुकिए आप, पहले बात मैं आपको बोलने का मौका दूंगी, एक सेकंड सलमान निजामी, सलमान निजामी एक सेकंड रुक जाइए आप, प्लीज इनको ऑडियो नीचे करिए, इनको ऑडियो नीचे करिए प्लीज, जो समय है उसकी अहमियत हमें समझनी होगी। जी इनकी आवाज कम करेंगे, ठीक है। डॉक्टर संबित पात्रा, मैं ये चाहती हूँ कि हम इन बातों में ना उलझें, मैं आपसे मुद्दे का सवाल ये पूछ रही हूँ, क्योंकि जो परिस्थितियां जम्मू कश्मीर में हैं, देखिए आगे बड़ी चुनौतियां हैं, एक तरफ डिलिमिटेशन की बात हो रही है, चुनावों की बात हो रही है, वहां पर एक पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करने की बात हो रही है, वहां पर लोगों को बसाने की बात हो रही है, जिस तरह की ये घटनाएं, ये कितना बड़ा चैलेंज है, कितने तैयार हैं हम उसके लिए? मीनाक्षी जी, इसका जवाब मैं शांतिपूर्वक तरीके से देता हूं, प्लीज, मगर मैं इस बात का आपत्ति करता हूं कि पुरानी बातों को हमें ध्यान ही नहीं देना चाहिए। उन लोगों ने जिन्होंने कहा अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, वो लोग आज बैठ के हमसे सवाल कर रहे हैं और मौन व्रत धारण करने की बात कर रहे हैं कि मैं दुखी हूं। यहां बैठे दो पैनलिस्ट जो बुरहान वानी को हीरो मानते हैं, उस बुरहान वानी के जनाजे में ये नमाज पढ़ते हैं, उसको आप कहती हैं कि पुरानी बातों को ध्यान मत दो? अब कल को आप कहेंगे हाफिज सईद के साथ डिबेट करो, पुरानी बातों पर ध्यान मत दो? ऐसा होता है मीनाक्षी जी? एक व्यक्ति का समग्र, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, आपने पुराना ट्वीट निकाला था मीनाक्षी जी, अगर आप ट्वीट निकालेंगे मैंने सिर्फ उस सिलसिले को रोकने की बात की, आप अपनी बात पूरी तरह से निकाल ले, मैं कंप्लीट करता हूँ। वो लोग आज सवाल पूछ रहे हैं जो सेपरेटिस्ट के साथ फोटो खींचते थे, मैंने मनमोहन जी का एग्जाम्पल दिया और ये कोई फेक बात नहीं है, यासीर मलिक के साथ मनमोहन सिंह जी का फोटो आज पूरा दुनिया जानता है, तो खुश तो ये लोग तब उस समय होंगे ही, इन्होंने कहा हम पाकिस्तान जा सकते थे, LOC खुली हुई थी, स्वाभाविक है। हाफिज सईद ऐसे ही नहीं कहता है आई लव कांग्रेस पार्टी, ये तो हकीकत है ना, ये तो फेक न्यूज़ नहीं है ना, उसने कहा था एक जर्नलिस्ट के लिए कहा था कि हाँ वो अच्छी जर्नलिस्ट है इंडिया की, और उन्होंने हाफिज सईद ने उसने ये भी कहा था कि कांग्रेस एक अच्छी पार्टी है। आज हम बैठ के उन लोगों को ड्रोन अटैक पे समझाएंगे? दूसरी बात, ये कहा जा रहा है कि पता ही नहीं ड्रोन कहाँ से आया और कहाँ चला गया। विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, आज IG साहब का हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना, जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कुछ चीज़ें हम यहाँ पर खुलासा नहीं कर सकते हैं कि ड्रोन कहाँ से आया कहाँ चला गया, कुछ चीज़ें हम क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है हम बता नहीं सकते हैं। और अभी आदरणीय सुशांत सरीन जी ने एक बड़ी बात कही, उन्होंने कहा पंजाब में जब ये आर्म्स ड्रॉपिंग के लिए या ये नार्कोटिक्स के लिए ड्रोन यूज होता था तो इंडिया को भी ये ऑपरेशन करना चाहिए था, कोवर्टली या ओवर्टली। मैं विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट कहूंगा, अगर कोवर्टली किया होगा तो वो कोवर्ट कैसे होगा अगर मैं यहां संबित पात्रा आके बताना शुरू कर देगा कि हाँ हमने किया है, या अगर आर्मी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिक्लेयर करेगी कि हाँ हमने फलाने दिन फलाने बजे हमने ये ऑपरेशन किया था, इट वुड नॉट बी कोवर्ट एनी मोर, वो ओवर्ट हो जाएगा। तो कुछ चीजों पे आप इंडियन आर्मी पर विश्वास रखिए, हम यहां 5 लोग बैठे हैं, हमसे अधिक बुद्धिमान इंडिया की आर्मी है, और देखिए हम जानते हैं कैसे डील करना है, चाहे किसी की भी सरकार हो, हाउ टू डील विद पाकिस्तान, जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था यही बैठे लोग शक की नजर से, कोई बात नहीं वो मुस्कुराएं बिल्कुल, उन्होंने कोवर्ट शब्द का इस्तेमाल किया था, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जो मुझे समझ में आया। सरीन साहब पहले आप एक बार रिस्पॉन्ड कर दीजिए, फिर मैं सलमान निजामी और माजिद हैदरी से जवाब लूंगी। नहीं मेरे ख्याल मेरे मित्र संबित समझे नहीं मैं क्या कह रहा था। देखिए कोवर्ट और ओवर्ट में जो डिफरेंस होता है वो ये है कि जब आपने सर्जिकल स्ट्राइक की या आपने बालाकोट के ऊपर हमला किया तो आपने ओपनली डिक्लेयर किया कि हम ये कर रहे हैं। जब आप कोवर्ट स्ट्राइक करते हैं तो एक कोई आप जो भी आपने एक्सरसाइज करनी होती है वो आप करते हैं, लेकिन आप उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते। लेकिन आप नहीं लेते उसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया को पता नहीं लगता या किसी और को पता नहीं लगता, क्योंकि वहां पर से जो चीखें निकलती हैं पाकिस्तानियों की वो तो हमारे को सुनाई दे जाती है ना। तो कोवर्ट का मतलब ये होता है कि वो आपके ऊपर नहीं, जैसे आप अभी बिल्कुल
बिल्कुल सटीक तरीके से ये नहीं कह सकते, हमको पूरा का पूरा विश्वास है, शक है, सब कुछ है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि हम कहें हाँ इसमें पाकिस्तानी इन्वॉल्व थे। हमको मालूम है कि यही करते हैं, उन्हीं के आतंकी जो गुट हैं वो उनके साथ मिलकर के करते हैं, लेकिन अगर प्रमाण आप मांगे तो आपके पास कोई नहीं है, तो वो कोवर्ट एक्शन माना जाएगा। लेकिन आप भी ये कर सकते हैं और वो चीखे मारते रहेंगे, लेकिन आपको भी पता है, उनको भी पता है कि ये किसने किया। मेरी मतलब वो था कोवर्ट एक्शन से जब मैंने उसका इस्तेमाल किया। एक और चीज कहूंगा कि बड़े ड्रामेटिक हो गए थे माजिद अपना जो है हैदरी, लेकिन बात ये है कि अगर आप आंकड़ों को देख लें, जो मनमोहन सिंह जी के दौरान जितने हमले हुए भारत के अंदर, और सिर्फ 26/11 की मैं बात नहीं कर रहा, उसके बाद भी बहुत सारे हमले हुए, और जो 2004 से 2008 26/11 से पहले अगर आप आंकलन करें तो लगभग 17 से 20 बहुत ही बड़े हमले हुए थे भारत के अंदर, ठीक है, जिसमें मुंबई में ट्रेन ब्लास्ट भी थे। ये सारा का सारा सिलसिला उस समय चल रहा था, और मनमोहन सिंह का वो भी बयान हमको याद है कि जब स्कॉटलैंड में एक आतंकी ने हमला किया तो मनमोहन सिंह जी को रात को नींद नहीं आई, ये सोचते हुए कि उसकी मां के ऊपर क्या गुजर रही होगी, ये नहीं उन्होंने सोचा कि जिन लोगों को उस बंदे ने मारा था उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी या उनके परिवारों के ऊपर क्या गुजर रही होगी। तो हमने वो भी पहलू देखा था। दूसरी चीज लेकिन ये है कि अगर आप देखें कश्मीर में पिछले 2 साल में हालात बहुत बेहतर हुए हैं, अगर आप उसकी 2016 से लेकर के तुलना करें, 2016 17 18 तक से आप अगर तुलना करें तो हालात बहुत बेहतर हुए हैं। हाँ ये जरूर है कि छोटे मोटे हादसे होंगे, अभी भी वहां पर ऐसे आतंकी बैठे हुए हैं जिनको प्रोत्साहन भी मिलता है, जिनको सहयोग भी मिलता बड़ी है, बात वो सब कह रहे कुछ हैं सुशांत सरीन वो जी, छोटे मोटे आतंकवादियों को मिलने वाला प्रोत्साहन, और इसी से मैंने डिबेट की शुरुआत भी की थी कि कौन खाद पानी आतंकवादियों को दे रहा है। माजिद हैदरी आप यहाँ पर हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आज राष्ट्रीय चैनल में बैठे हैं, कम से कम आज खुलकर इस बात की निंदा तो करिए कि जिन लड़कों ने मिलकर, जिन आतंकवादियों ने मिलकर एसपीओ के परिवार को मारा है, उनकी निंदा तो करिए आप यहाँ पर आज। कहाँ खड़े हैं आप मैडम? आप देखिए सुशांत भाई यहाँ बैठे हैं, बड़े मंझे हुए एनालिस्ट हैं, ये कह रहे हैं कि जो जम्मू में जो धमाका हुआ ड्रोन का वो छोटा मोटा मसला है, ये कोई यहाँ पे वो ये चल रही है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे पिक्चर की शूटिंग चल रही है, ये बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती हैं। पूछ रही हूं। ये मेरे देश मैं आपसे बहुत गंभीर मुद्दे पर सवाल पूछ रही हूँ, कश्मीर घाटी में अडवाणी जी और अटल जी आज आईजी ने इस बात का जिक्र अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है आज भी बीजेपी का कि वो जिस ऑफिसर को मारा गया वो किसी आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन का हिस्सा नहीं थे, किसी आतंकवाद विरोधी स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे, बेरहमी से कत्ल किया गया। छोटा मोटा मसला है मैडम, बेरहमी से उनको उनकी पत्नी और उनकी बेटी को कत्ल किया गया, शूटिंग चल रही है, ये क्या पिक्चर की शूटिंग है? छोटी मोटी बात है, बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें होती हैं। मारने वाले जो है वो भटके हुए युवा नहीं है, ये देश के खिलाफ लड़ाई है, बताइए आप देश के साथ खड़े हैं या नहीं, बताइए। मैं तो पहले ही मैंने कहा मैं सच्चा भारतीय होने के नाते बात कर रहा हूँ, और कृपया करके संबित पात्रा जी और मेरे बीच में लोहे की एक दीवार रखें, कहीं ये मेरे अछूत को टच ना कर जाए, क्योंकि मैं ये तो बात संबित पात्रा और आपकी बात नहीं है, ये बात देश की आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई की है, अडवाणी जी ने हुर्रियत के साथ बात की, संबित पात्रा वर्सेस माजिद हैदरी बात नहीं है, गलत एनालॉजी मत दीजिए आप। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया, लश्कर के आतंकवादी, भटके हुए युवा मानते हैं आप उनको? आज क्लियर करिए इस बात को मैडम, उसको कौन आपकी बात को कौन झुठला रहा है यहाँ, मगर मैं आपको सच्चाई याद दिला रहा हूँ कि अजहर मसूद आज भी भाजपा का शुक्रिया अदा करता है कि आपने मुझे छोड़ा, आरएसएस को सुबह शाम फोन करता है, अडवाणी जी ने अटल जी ने जो जो बेरहमी से निहत्तों को कत्ल कर रहे हैं, नमाज पढ़ के जो लोग लौट रहे हैं, जो उनको कत्ल कर रहे हैं, कौन है वो लोग, आज नाम लीजिए उनका, किन किस शह पर वो काम कर रहे हैं बताइए। ये इतनी असुरक्षा क्यों है मेरे देश में, हम क्यों हर रोज मातम का एक डिबेट करते हैं, आज वो मरा मातम बनाएंगे, अब भी आप नहीं बताएंगे कि आतंकवादियों को ये खाद पानी कहां से मिल रहा है, कहां से मिल रहा है नहीं बताएंगे आप ये खाद पानी आतंकवादियों को, क्यों सरकार दे रही है? सलमान निजामी ठीक है, डिबेट के मैं अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी हूं। सलमान निजामी मैं कल भी मेरे साथ पैनल पर अभय दुबे मौजूद थे, आपसे मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि आप कश्मीर से संबंध रखते हैं, विपक्षी दल है, आप बड़ा विपक्षी दल है, मुझे ये बताइए आप, अगर आप सरकार में होते ये परिस्थितियां होती, एक सुझाव जो आप इस वक्त गवर्नमेंट को देना चाहेंगे, एक कंस्ट्रक्टिव सुझाव। देखिए पहले मनमोहन सिंह जो है बिना बिरयानी
मतलब कि बिना इनविटेशन के पाकिस्तान नहीं गए। पाकिस्तान के साथ एक तरफ से आप बोलते हैं यहाँ टीवी चैनलों पे मुझे गालियां दीजिए, मुझे एंटी नेशनल बोलिए, चाहे कुछ भी बोलिए, फर्जी ट्वीट चलाइए, सर्कुलेट करिए। सलमान निजामी, आम कश्मीरियों की बात करिए, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, कश्मीर से आते हैं, कश्मीर के लोगों की बात करिए, मुझे बताइए आज उनके उनकी बेहतरी के लिए एक पॉइंट आज बताइए, एक सजेशन के तौर पर, एक सुझाव आप कश्मीरियों के लिए। सरकार को एक बात यहाँ नहीं करनी चाहिए कि आप पाकिस्तान मुर्दाबाद यहाँ बोलेंगे और पीछे से उनको बैक सीक्रेट डॉक्स करेंगे, लव लेटर लिखेंगे। आप मुझे बताइए सलमान निजामी, आप अभी भी उन्हीं बातों में उलझे हुए हैं, लेकिन समय मेरे पास इतना ही था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। बड़ी बात यहाँ से ये कि आम कश्मीरियों के लिए, जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए, क्योंकि वो शांति और अमन चाहते हैं, अपने लिए भविष्य की राह चाहते हैं, उस पर विचार होना चाहिए और आतंक के खिलाफ जो जंग है वो मजबूत होनी चाहिए। वक्त हमारे लिए ब्रेक का है, देखते रहिए आज तक। हमारा आज का सवाल था, क्या जम्मू कश्मीर में ड्रोन से साजिश के बाद पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। आपके जो जवाब हमें मिले हैं उनमें 97% लोगों ने हाँ कहा, जबकि 3% लोगों ने ना कहा। इसी के साथ दंगल में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।